अगर हमें लगता है, मुझे लगता है मेरे बच्चे मेरे घर में रहते हैं, नहीं, उनका शरीर मेरे घर में है, हाथ में मोबाइल है, पता नहीं किससे मित्रता है, पता नहीं किससे दोस्ती है, पता नहीं किसको मार्गदर्शक अपना स्वीकार कर लिया है, क्योंकि माँ पिता का रोष, माँ पिता का टोकना बुरा लगता है। माँ तो एक चपत धर देती है ना चेहरे पे, और फिर वो आंटी आती है, सुंदर सी प्यारी सी आंटी, और अपने पर्स में से एक चॉकलेट निकालती है और फिर उस बच्चे को थमा देती है। चॉकलेट खिलाने वाली आंटी जितनी अच्छी लगती है ना, उतनी माँ अच्छी, बोलो ना, वो टोकती है, वो रोकती है, वो बरजती है, वो कहती है जल्दी उठो, टाइम पे सो, समय पे खाओ, पूरी व्यवस्था को ठीक रखो। तो वो तो लगती है राक्षसी जैसी, और बाकी लगते हैं बिल्कुल सुपरस्टार जैसे कि यही है मेरे हितैषी। इसलिए मित्र बहुत, अब मित्र, अब आप देख लो, पति पत्नी का ब्याह होता है ना तो गुण मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं, लेकिन मित्र और मित्र मिलते हैं, कौन मिलते हैं, इनके गुण मिलाए जाते हैं, बोलो ना, जिनके दुर्गुण आपस में मिलते हैं मित्र वही होते हैं। अब देखो आप, कौन देगा मार्गदर्शन इनको, कौन देगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, स्वयं का तो कुछ ठिकाना नहीं और तुम्हारा भी कुछ ठिकाना लगने। पिता को सबसे बड़ी फिक्र होती है कि वो सम्मानित परिवार में मेरी पुत्री प्रतिष्ठा पाए, और जब तक मेरी पुत्री अग्नि की साक्षी में किसी को ग्रहण ना कर ले तब तक उसका तन भी कोरा रहना चाहिए और उसका मन भी कोरा रहना चाहिए, तन और मन दोनों कोरे। आप क्या सोच रहे हो कि दो दो चार चार मोबाइल मेंटेन करने हैं, उनका खर्चा पानी पूरा करना है, इसलिए दो दो चार चार बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हैं, भटक रही हैं। ये आधुनिक युग की ताड़काएं हैं, इन शूर्पनखाओं को देखो, इन्होंने भारत के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। पिता मेहनती है, परिश्रमी है, वो तुम्हारी ऐश परस्ती पूरी नहीं कर सकता, तो तुम दुनिया भर के लफंगों को अपना बॉयफ्रेंड बना के उनसे अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवा रहे हो। बहुत दुख होता है मुझे, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूं। कोरा तन और कोरा मन, स्मरण है आपको, स्वामी विवेकानंद को कहा था इटली की एक स्त्री ने, उनका भाषण सुना शिकागो की सभा में, उनकी कीर्ति सुन गई, उनकी प्रसिद्धि फैल गई। फिर क्या हुआ, उसने कहा आपके साथ एकांत में बात करनी, एकांत में सन्यासी के साथ, हाँ एकांत में, विवेकानंद आप कितने हैंडसम हो, कितने बुद्धिमान हो, और मैं भी कितनी खूबसूरत हूं, अगर आप मुझसे ब्याह कर लो तो मैं आप जैसा बेटा पैदा कर दूंगी, सेम टू यू, सेम जैसे आप हो। एक पल नहीं लगा, एक पल नहीं लगा, स्वामी विवेकानंद का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने तुरंत कहा, देवी मेरे जैसा मैं, मेरे जैसा तू पैदा कर सकेगी, इसमें तो शक है, संदेह है, पर मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अभी तुरंत मेरी माँ बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार करो, अभी मेरी माँ बन जाओ। सोचना नहीं पड़ा, ये नहीं कि जरा मित्रों से सलाह कर लूं कि इतना अच्छा ऑफर आया है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, है इतना अच्छा प्रपोजल आया है, हमको प्रपोज किया जा रहा है भाई, सलाह लेते हैं, ऐसा सोचा उन्होंने, बोलो ना, भोले बाबा का तीसरा नेत्र क्या है, ये विवेक, हमारे पास भी है तीसरा नेत्र, हम सबके पास है तीसरा नेत्र, लेकिन वो तीसरा नेत्र खुल ही नहीं पाता, हम वासनाओं के शिकार हो जाते। इसलिए अगर बचाना है अपनी संतानों को तो कुसंग से बचाइयो भारतीयों, कुसंग, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां उसे विषयों की तरफ खींच लेती हैं। जल को ऊपर चढ़ाना मुश्किल होता है, जल की अधोगति वो तो वैसे ही सहज होती है, वो तो नीचे की तरफ ही भागता है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंबरा जी के YouTube चैनल को
और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।